आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में सभी क्षेत्रों को रुकावटों के बीच भी आगे बढ़ने के लिए भरपूर प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र थे जिस पर थोड़ा विशेष बल भी दिया गया, क्योंकि वो व्यापक जनहित में आवश्यक था, युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक था। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया उसमें से मैं दो की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक एमएसएमई सेक्टर, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र है। हमने शिक्षित किया, उसी प्रकार से खेतीबाड़ी क्षेत्र, उसमें भी कोई रुकावट ना आए उसको निश्चित किया, और उसी की वजह से मैंने वर्णन किया, बम्पर क्रॉप हुआ, सरकार ने रिकॉर्ड खरीद भी की, महामारी के बावजूद गेहूं धान की खरीदी के नए रिकॉर्ड बने, किसानों को ज्यादा एमएसपी मिला और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के तहत मिला, पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जमा हुआ। और मैंने तो पंजाब के लोगों के कई वीडियो देखे, क्योंकि पंजाब में पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा गया। उन्होंने कहा था, मेरा खेत तो उतना ही साइज है, हमारी मेहनत उतनी है, लेकिन खाते में इतना रुपया एक साथ आता है, ये पहली बार जिंदगी में। इससे ये संकट के समय किसानों के पास कैश की सुविधा रही। ऐसे कदमों से ही इतने बड़े सेक्टर को शॉक्स और डिसरप्शन से हम बचा पाए। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर, ये उन सेक्टरों में था जिसको आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सबसे अधिक लाभ मिला। अलग अलग मंत्रालयों ने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की उससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिला। भारत अब लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है और एक्सपोर्ट में भी उसका योगदान बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल और बैटरी, इस क्षेत्र में भी पीएलआई स्कीम उत्साहजनक परिणाम दे रही है। जब इतने बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग और वो भी ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर के द्वारा होता है, तो स्वाभाविक है दुनिया के देशों से ऑर्डर भी मिलते हैं, ज्यादा अवसर भी मिलते हैं। और सत्य ये है कि इंजीनियरिंग गुड्स जो बड़ी मात्रा में एमएसएमई बनाते हैं, इस समय जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा बड़ा बना है उसमें ये इंजीनियरिंग गुड्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये भारत के लोगों के कौशल्य का और भारत के एमएसएमई की ताकत को प्रदर्शित करता है। हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम देखें, यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, एमओयू जो हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, एमएसएमई क्षेत्र के लोग आ रहे हैं डिफेंस के सेक्टर में, ये अपने आप में उत्साहवर्धक है कि देश के लोगों में सामर्थ्य है और देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे एमएसएमई क्षेत्र के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं, आगे आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एमएसएमई को जेम, उसके माध्यम से सरकार में जो सामान की खरीदी होती है उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया है और वो प्लेटफॉर्म के कारण आज बहुत सुविधा बनी है। उसी प्रकार से हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है, वो निर्णय ये है कि सरकार में 200 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर होंगे
वो टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे, उसमें हिंदुस्तान के लोगों को ही अवसर दिया जाएगा और जिसके कारण हमारे एमएसएमई सेक्टर को और इसके द्वारा हमारे रोजगार को बल मिलेगा। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में आदरणीय सदस्यों ने रोजगार के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं, कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। कितनी जॉब क्रिएट्स हुई है ये जानने के लिए ईपीएफओ पेरोल सबसे विश्वस्त माध्यम माना जाता है। साल 2021 में लगभग 1,20,00,000 नए ईपीएफओ के पेरोल पे जुड़े और ये हम न भूले, ये सारे फॉर्मल जॉब्स हैं, मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा, फॉर्मल जॉब्स हैं। और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र पहली जॉब की है, यानी पहली बार जॉब मार्केट में उनकी एंट्री हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।